हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन, ओके। बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट लेकर आए हैं। और हिंदी सब्जेक्ट में हम आपको क्या ऐड करवाएंगे आज? आज हम आपको ध्वनि और वर्ण पहचान, इसमें हम आपको आज घ अक्षर को पढ़ाएंगे। और ये आपको कौन सी बुक में मिलेगी? ये बुक है आपकी लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी। ओके, लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी में कौन सी पेज नंबर में है? ये है पेज नंबर 2424 नंबर पे। देखिए, ये जो घ दिया है ना, ध्वनि और वर्ण पहचान में घ अक्षर को हम आपको आज बोर्ड में बना के बताते हैं। ओके, सो प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड। हिंदी में क्लासर में देखिए, ध्वनि और वर्ण पहचान, इसमें कौन सा अक्षर है? घ, है ना। पहले हमने लास्ट पहले वीडियो में हमने क, ख और ग आपको पढ़ाकर बता चुके हैं किस प्रकार से क, ख और ग को लिखना है। और आज हम आपको क्या बताएंगे कि घ आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, घ कैसे लिखना है। ये है आपकी हिंदी की कॉपी, है ना। हिंदी आपकी कौन सी कॉपी रहती है? टू लाइन वाली कॉपी। टू लाइन वाली कॉपी में देखिए कैसे लिखना है आपको घा। ये इस प्रकार से घा को लिखना है। ओके, ये है घा। और घा से कोर से वर्ड बनेंगे, वो हम आपको आज देखिए नीचे बनेंगे। घा से कोर से शब्द बनते हैं। घा से घर, घा से घड़ी, घा से घड़ा, है ना। और घा से और क्या सुनता है? बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि घोड़ा, है ना। तो घा से घड़ियाल, घड़ियाल में मगरमच्छ। तो घा से कौन कौन से शब्द बनाए हमने देखिए। ये है घा से घर। क्या बना है? ये घा से घर, है ना। और घर को हम क्या करेंगे आपके सामने देखिए। ये है घा से घर को हम चित्र को कलर कर रहे हैं। ये है हमारा पिंक कलर। पिंक मीन्स गुलाबी, और इसमें हमें गुलाबी कलर से इसको कलर किया। एंड नेक्स्ट देखिए, ये है येलो कलर, और येलो कलर से देखिए ये घर को हमने ये कलर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नीचे है ये जो विंडो बनी है, जिसको हम बोलते हैं खिड़की, इसे हम ऑरेंज कलर से कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट है येलो कलर, इसे हम येलो कलर से कलर कर रहे हैं। एंड ये है पिंक कलर, और ये है पिंक कलर से कलर कंप्लीट। एंड नेक्स्ट है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर से ये हम कलर कर चुके हैं। इस प्रकार से ऑरेंज, पिंक, ग्रीन एंड येलो कलर से इस विंडो को हमने कलर कर दिया। एंड ये है हमारा डोर मीन्स दरवाजा, इसे हमने पिंक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर, इससे हमने कलर कर दिया। और ये है हमारा पिंक कलर, है ना। पिंक कलर से हमने इसे इस प्रकार से कलर कर दिया। एंड नीचे देखिए, ये है ऑरेंज कलर, है ना। ऑरेंज कलर से ये पूरा कलर हो चुका है। तो ये क्या बना है आज? ये घर, है ना। और इस घर को हमने कंप्लीट कलर कर चुके हैं। अब घर से और देखिए कौन से शब्द बन रहे हैं। घर से और घड़ी, है ना। और ये घड़ी देखिए, घड़ी इसे हम येलो कलर से कलर कर रहे हैं। ये है आपका येलो कलर, और इसमें बीच में क्या दिए हुए हैं? अंदर साइड में ये पूरे नंबर दिए हुए हैं, है ना, जो हमको टाइम बताती है घड़ी कि कितने समय, कितने बजे हैं इस घड़ी में। ये हम आपको ये घड़ी के द्वारा बता रहे हैं। ये है कलर ऑरेंज एंड ग्रीन कलर एंड ब्लू। तो घासे घर, घासे घड़ी।
और घास से अब क्या बनेगा, घास से घड़ा। ये क्या बना है बच्चों, घास से घड़ा है ना, घड़ा में आ की मात्रा रा, घड़ा। घड़े में देखिए क्या भरा है, घड़े में पानी भरा हुआ है और इसको हमने पिंक कलर से कलर कर किया है। ये है आपका घड़ा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है। और इस प्रकार से ये घड़ा कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आया ध्वनि और वर्ण पहचान में घ को कैसे लिखना है और घ से कौन कौन से शब्द बने हैं। घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घोड़ा, घ से घड़ियाल और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का क्लास कवर और आप लोग इसे अपनी बुक में देखेंगे और ऐसे ही आप लोग भी कलर करेंगे। ओके, और उसके बाद हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है, घ को कैसे लिखना है, देख कर लिखो, देख कर लिखो, देख कर क्या लिखना है, ये जो घ है अक्षर इसको अपनी हिंदी की कॉपी में 5 times नोट करना है। ओके, पूरे पेज में आपको इस प्रकार से हिंदी की कॉपी में ये अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है 5 times। ओके, इस प्रकार से कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए, ये इस प्रकार से 5 times आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में इसे नोट करना है। नीचे आपको पूरा अपने कॉपी के जो एक पेज होते हैं उस पूरे पेज में इसको क्या करना है, 5 times आपको नोट करना है और हमें फिर ये सब सेंड करना है। ओके, थैंक यू।